हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल होप यू ऑल आर फाइन कैसे हैं आप सब लोग आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में तो आज की वीडियो जो है आपके जर्नल साइंस के ऊपर रहेगी जैसा कि आप सभी बच्चों ने कल देखा कि जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जो साइंस थी उसको ज़्यादा वेटेज दी गई और वो क्वेश्चंस पूछे गए जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे आपने एसएससी के कई पेपर्स अगर उठा के कभी देखे हैं वहाँ पे भी एज ए कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में भी थे तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वही जनरल साइंस का रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ सभी बच्चों को एक चीज बता दूँ जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेगी और दूसरी चीज़ कि मैंने सभी बच्चों को पहले ही बताया है कि जो वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो हर दिन के 12 बजे और शाम के 5 बजे की रहेंगी ठीक है तो जो भी बच्चे वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 11 फरवरी है अब पता नहीं कि तब होगा या आगे पीछे होगा जो भी है पता लग जाएगा हमको लेकिन होना फरवरी में ही है तो आगे हुआ तो आपको और दिन मिल जाएंगे तो पता लग जाएगा जो कुछ भी है ठीक है तो फिलहाल अपनी तैयारी को जो है वो बूस्ट कर लो जितना हो सकता है उतनी चीज़ों को कवर करो आपको पता ही चल गया है कि जो पर है वो अनएक्सपेक्टेड आता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी पढ़ाई में लग जाओ ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फ्लॉर इज नोन एज जो फ्लॉर uh, की स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेनोलॉजी एंथोलॉजी एग्रोस्ट्रोलॉजी uh, या पैलिनोलॉजी देखो ये बेसिक क्वेश्चन है कोई भी बच्चा मुझे कमेंट करके ये मत बोलना सर ये दीज आर द बेसिक क्वेश्चन यही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ठीक है और इसी बच्चे इसी क्वेश्चंस में बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है बच्चे नेक्स्ट लेवल का या हाई लेवल का बहुत ज़्यादा पढ़ के बैठे हैं लेकिन बेसिक चीज़ें बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है ये बेसिक टर्म्स हैं तो बताइए राइट आंसर क्या है द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज दैट इज एंथोलॉजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द पी एच वैल्यू वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज देखो कितने बच्चों को मुझे सच से बताओ कि कितने बच्चों को पता है कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है ठीक है ईमानदारी से बताना बिल्कुल नकल नहीं करना ऐसे बिना देखे बच्चों का देखे बिना मुझे बताना कि, कितने बच्चों को इसका राइट right आंसर पता है कि ह्यूमन ब्लड का जो पी है वो कितना है सिक्स पॉइंट सिक्स या सेवन तो बताओ राइट right आंसर क्या है इस क्वेश्चन का देखना मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है कंफ्यूजन हो जाएगी पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं है या बेसिक नहीं याद कि भाई हो सकता है इतना हो या हो सकता है इतना हो तो देखो राइट right आंसर क्या है इसका हमेशा याद रखो सेवन पॉइंट फोर ठीक है सेवन पॉइंट फोर मतलब अपने दिमाग में ये टर्म पूरी याद रख लो कि ह्यूमन ब्लड का जो पी एच होता है वो हमेशा सेवन पॉइंट फोर ही होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड अब देखो ये क्वेश्चन देखो हेमोग्लोबिन इज अ अब हेमोग्लोबिन क्या चीज है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैट है या विटामिन है अब यही कुछ पहले भी मैंने यही चीज बोल दिया फिर से वही चीज रिपीट करता हूँ कि बताओ मुझे कि कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है जो राइट right आंसर देंगे हो जाएगी ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन क्या है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है फैट है या है या विटामिन तो बताओ राइट right आंसर क्या है क्या है सबको पता है कि हेमोग्लोबिन क्या होता है हम हर दिन में कभी ना कभी हमारे मुंह से टर्म निकलती ही रहती है किसी से बात करते वक्त भी निकल जाएगी ठीक है हॉस्पिटल में जाओ तो चौबीस घंटे यही टर्म हमको सुनने में मिलेगी तो बताइए राइट आंसर क्या है दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन ठीक है समझ आ गई यस yes. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द विटामिन दैट इज मोस्ट दैट इज़ मोस्ट rapidly manufactured इन अवर बॉडी कौन सी वाइटामिन है जो हमारी बॉडी में मोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बार जो सबसे ज़्यादा मैनुफैक्चर होती है मतलब अब इस टर्म में समझ लीजिए वाइटामिन ए वाइटामिन बी वाइटामिन सी या वाइटामिन डी तो ऑप्शन क्या है राइट right आंसर अच्छा एक क्वेश्चन का मुझे अब राइट आंसर right देना कि कौन सी वाइटामिन है जो हमारी बॉडी में रहती ही नहीं है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है कितने बच्चों को इसका राइट right आंसर पता है कि कौन सी वाइटामिन है जो हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाती है बताना मुझे इसका आंसर जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में देना क्वेश्चन नंबर के साथ मैंने आपके साथ आंसर पूछा है और आप सभी बच्चों को पता है कि मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखता हूँ जो भी बच्चा कमेंट करता है किसी भी चीज का मैं हर किसी को रिप्लाई भी देता हूँ तो मुझे बताओ कि राइट right आंसर क्या है इसका यस yes, तो बताओ कौन सी वाइटामिन है जो हमारी बॉडी के बीच जो रैपिडली मैन्युफैक्चर होती है तो उसका राइट right आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर का दैट इज ऑप्शन नंबर वाइटामिन डी ठीक है आगे चलते हैं लेकिन इससे बीच में आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी देखो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है ठीक है ब्लड के आगे दो फॉर्म होती हैं ये अगर आपको नहीं पता तो वो लिख लो ब्लड के आगे दो फॉर्म होती हैं एक को बोलते हैं हम प्लाज्मा एक को बोलते हैं क्या कॉप्शुल ठीक है सी ओ आर पी एस यू एल ई ठीक है अब क्या होता है अब इनका नंबर देखो पहले एक होता है प्लाज्मा एक होता है कैप्शुल ठीक है कॉप्शुल ठीक है अब प्लाज्मा का नंबर क्या होता है फिफ्टी फाइव से सिक्सटी के बीच तो कॉप्सुल का नंबर क्या होता है फोर्टी ठीक है अब ये जो कॉप्सुल होता है ना ये आगे फर्दर क्या होता है तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है ठीक है पहला पार्ट होता है इसका आरबीसी दूसरा पार्ट होता है इसका डब्ल्यू तीसरा पार्ट इसका होता है क्या प्लेटलेट्स ठीक है यहां तक हो गया अब हम चलते हैं आगे एक अब आ गया आरबीसी डब्ल्यू और आ गया प्लेटलेट्स ठीक है आरबीसी को हम क्या कहते हैं ठीक है डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट ठीक है और प्लेटलेट्स जो होगी हमारी कौन सी होगी थ्रम्बोसाइट ठीक है अब आरबीसी का एक चीज आपको पता होना चाहिए उसका जो पीरियड क्या होता है लाइफ स्पेन क्या होता है 120 डेज एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है ठीक है और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं ठीक है उसके बीच क्या प्रेजेंट जिसका दूसरा नाम आ गया ल्यूकोसाइट और लार्जेस्ट अगर कहा जाए सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कौन सा होता है मोनोसाइट ठीक है तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके मेरे को लगा कि आपको बता बतानी चाहिए आपको पता होनी चाहिए तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओके हो गया क्वेश्चन नंबर फोर तक हमारा क्लियर हो गया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है so, एक सेकेंड यस एक्मुलेन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अवर मसल्स लेस टू फटीक मतलब फटीक किसकी वजह से होता है अब फटीक का मतलब क्या हो गया थकावट तो किसकी वजह से हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में हमें थकावट महसूस होने लगती है लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड आगे नीचे चलते हैं उसके बाद बनजोईक एसिड और यूरिक एसिड देखो सब जब भी बात आएगी ना थकावट की कि भाई किस हमें किस चीज की वजह से कौन से एसिड की वजह से हमें थकावट महसूस होती है वो होती है लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से ही हमें थकावट महसूस होती है ओके हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव तक क्लियर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स कह रहा है या, 6 कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है तो ऑप्शन नंबर ए देखो सेवन पॉइंट जीरो किलोमीटर पर सेकंड 11.2, 5.0 या 21.1 तो बताओ वेलोसिटी ऑफ अर्थ अगर एज इट इज आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है तो आपको कुछ नहीं करना सिंपल इसका राइट right आंसर है 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड अब देखो सेम कई जो डाटा होता है ना वो स्टेटिक डाटा होता है वो हमको एज इट इज याद रखना पड़ता है जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताया था कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए सेवन पॉइंट फोर कितने बच्चों को याद है अभी भी कि मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया आपके साथ

एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट बताता है टैक्योमीटर प्रेशर डिफरेंस या हाई तो बताओ इनमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट right आंसर क्या है देखो अनिमोमीटर विंड की स्पीड बताता है एकदम सही एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट बताता है एकदम सही पायरोमीटर हाई टेम्परेचर बताता है बिल्कुल सही लेकिन टेक्योमीटर जो है वो प्रेशर डिफरेंस नहीं बताता ठीक है अब ये क्या बताता है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि टेक्यूमीटर क्या बताता है अगर नहीं पता कोई बात नहीं वीडियो मेरी देख लो वीडियो देखने के बाद आप गूगल करो गूगल में से आपको पता लग जाएगा टैक्ोमीटर जो है वो क्या चीज़ बताता है और वही चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो सर क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आ, आंसर है वो टैक्यूमीटर ये चीज़ बताता है जहाँ की जो बच्चे कमेंट नहीं भी करते ना वो कमेंट खोल के पढ़ते हैं पढ़ते तो हैं कम से कम सबको पता लग जाएगा ठीक है पता नहीं मुझे नहीं समझ आता कि बच्चे कमेंट करने में आलस क्यों करते हैं और लाइक करने में आलस क्यों करते हैं अगर इतने बच्चे वीडियो देखते हैं तो कमेंट किया करो यार कमेंट करने में क्या जाता है और दूसरी बात लाइक भी किया करो तो तो कि लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगर आपको फायदा हुआ तो सबको फायदा हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलिंग मैथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर ठीक है कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए वाटर को कहां से अल्कोहल वाटर मिक्सचर में से डिकनोरेशन uh, सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट right आंसर क्या है बताओ क्वेश्चन नंबर का राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से दैट इज ऑप्शन नंबर डी डिस्टिलेशन मैथड ओके स्टैटिक क्वेश्चन है ऐसे याद रखो अगला द नंबर ऑफ चैम्बर्स तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपको पता है फोर होता है ठीक है आगे चलते हैं फॉलिंग मेटल इज यूज विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आयरन के साथ यूज किया जाता है ताकि आयरन को जंग ना लगे तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट right आंसर बताओ इसका क्या है एल्यूमिनियम कार्बन क्रोमियम या टीन तो टीन वाला क्वेश्चन कल एक फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ था कि टीन की कोटिंग की जाती है जिंक की कोटिंग क्यों नहीं की जाती कितने बच्चों ने एग्जाम दिया तो कल उनका क्वेश्चन ये सही हुआ और क्या उसका आपने राइट आंसर लगाया था बताओ तो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर क्या है किस मेटल को हम आयरन के साथ यूज करते हैं ताकि वो क्रोजन फ्री रहे ठीक है रस्ट फ्री रहे या क्रोजन फ्री रहे तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है दैट दैट इज इज ऑप्शन नंबर नंबर सी क्रोमियम ओके यस क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा और जूम कर लूँ बच्चे बोलते हैं सर जूम नहीं होता अब ठीक है यस एथलीट फुट इज अ डिजीज काज बाय ठीक है एथलीट फुट डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजान या निमाटोड तो बताओ यहाँ पे फैमिली के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा डाइवर्सिटी में जाके इन्होंने क्वेश्चन पूछा है डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया है कि एथलीट फूड जो है वो किसकी वजह से होती है बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजन या नीमाटोड तो बताओ राइट right आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर इलेवन का दैट इज डोनर आई इज यूटीलाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं जिस बच्चे ने अभी तक कभी एस एस सी का एग्जाम दिया है या जिस बच्चे ने नहीं दिया या कभी आपको टाइम मिलता है ना कभी एस एस सी का एग्जाम उठा के देखो जो पैटर्न अभी जेके एस फॉलो कर रही है ना सेम पैटर्न पे एस जो है वो कितने सालों से एग्जाम करा रही है और उनके क्वेश्चंस देखो और जेके एस के क्वेश्चंस देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है क्वेश्चंस में क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं और वहीं पर बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है ठीक है फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको ठीक है तो आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है कि जब आई डोनेशन हम करते हैं तो आई का कौन सा पार्ट जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं इरिस रेटेना लेंस या कॉर्निया तो क्वेश्चन नंबर का राइट right आंसर क्या है इज ऑप्शन नंबर डी कोर्निया तभी तो हम कहते हैं कोर्निया ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं या कोर्निया डोनेशन मतलब वही चीज जो होती है वो हम उसको ईजिली जो है वो क्या कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं या उसको ईजिली ठीक भी कर सकते हैं अगला क्वेश्चन द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज देखो कितना इजी क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी हनी का मेजर कंपोनेंट कौन सा है ग्लूकोज माल्टोज फ्रक्टोज या सुक्रोज तो बताओ हनी का सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है डेंसर कितना होता है हनी आप सबको पता है हम सबको बताया कि अगर चार ऑप्शन आप आपको किसी चीज़ के दिए हैं ना उसमें हनी दिया है तो पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा इनमें से डेंसर कौन है वो हनी है ठीक है और हनी एक ऐसी चीज़ है जो कभी खराब भी नहीं होती तो बताओ ग्लूकोज माल्टोज फ्रक्टोज या सुक्रोज अब इनमें से एक ऐसी टर्म भी है जिसको हम स्वीटेस्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मीठा इनमें से वही चीज़ होती है वो क्या होती है फ्रक्टोस ये याद रखना स्वीटेस्ट शुगर की कैटेगरी में हम फ्रक्टोस को लेते हैं और हमें सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रूट से मिल जाती है तो अब क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा कम्पोनेंट जो हनी में प्रेजेंट होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोस ये भी फ्रक्टोज ही थी है ठीक है दोनों का आंसर फ्रक्टोज ही है ओके यस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिलासिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन ठीक है साउंड की जो विलॉसिटी है वो मिनिमम कहाँ पे होती है तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है इसमें अगर टाइम नहीं लूंगा वो हमारे वैक्यूम में ही होती है ठीक है सबसे मिनिमम होती है अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स अब कितने बच्चों को पता है कि हमारे कान में कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट हैं कल क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे स्ट्रॉगेस्ट बोन कौन सी है ठीक है स्ट्रॉगेस्ट पार्ट कौन सा है ठीक है अब पूछा गया है कि कान में कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट हैं चार पांच छह या नौ तो बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट right आंसर क्या है दैट इज ऑप्शन नंबर 6 6 सॉरी ऑप्शन नंबर सी 6 ओके याद रखना आगे चलते हैं यस yes. 16 कह रहा है ए सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू ठीक है इसी तरीके का कल क्वेश्चन एक पूछा गया था वॉशिंग मशीन के ऊपर का तो बताओ कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट right आंसर क्या है तो फोर्स फोर्स है या है देखो ग्रेविटेशन में काट देता हूँ जिस बच्चे ने कल के एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया ना उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो निकले होंगे क्योंकि कल का जो पेपर था वो एलिमिनेशन मैथड पूरा फॉलो कर रहा था कि जिस बच्चे को एक या दो ऑप्शन पता थे ना वो पूरा क्वेश्चन उसका निकल रहा था बिल्कुल सिंपल तरीके से एलिमिनेशन मैथड लगाना था कल तो बताओ राइट right आंसर क्या है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का राइट right आंसर क्या है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीपिटल फोर्स ओके अब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एक पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है डिपेंड ऑन इट्स लेंथ डिपेंड ऑन द मास डिपेंड ऑन टाइम या डिपेंड ऑन टेम्परेचर तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से दैट इज डिपेंड ऑन इट्स लेंथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ रेस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी देखो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है हमने अपने घर में आगे पीछे कहीं भी लोहा देखा होगा हमने ये भी देखा होगा कि लोहे को जब जंग लग जाता है तो लोहे का वेट बढ़ जाता है या तो घट जाता है तो ये सबको पता है कि उसका वेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आयरन और की और जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है ऑक्सीडेशन हो जाती है वहां पर कंपाउंड जो होते हैं वो जमने शुरू हो जाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं मेलबोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन जो मेलबोमियन ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ईयर नोस स्किन आई तो बताओ मेलबोमियन ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट right आंसर क्या है मेलबोमियन ग्लैंड जो होता है वो हमारे डी आई में प्रेजेंट होता है ओके फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन द वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ ठीक है हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बना होता है वो हमारे वाटर से जो होता है वेट वाटर की वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है सारी चीज़ों में तो ब्लड ही है ठीक है जिसकी वजह से जो बॉडी का वेट होता है वो टोटली किस पे डिपेंड होता है वाटर पे ठीक है तो ये थे आज के ट्वेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन आज का कैसा लगा और और सेशन चाहिए हैं साइंस इस तरीके के क्वेश्चन के तो मैं लेके आ जाऊँगा ठीक है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद